आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस में ही कंटिन्यू कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. सपोज ए बी ए मैट्रिक्स, देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाई ए बार. ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट हम ए बार से डिनोट करेंगे. किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ले लेंगे और सेम उसी अरेंजमेंट में लिख देंगे जिसमें गिवन मैट्रिक्स ए है, तो हमें दी गई मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मिल जाएगा. थोड़ा रिकॉल करें कॉन्जुगेट वर्ड को. तो कॉन्जुगेट स्पेसिफिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बताते हैं, क्योंकि रियल नंबर के केस में कॉन्जुगेट अगेन वही नंबर होता है. सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ नंबर, देन लेट बी डिनोटेड बाय जेड, देन कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज गिवन बाय जेड बार एंड इज नथिंग बट एक्स माइनस आयोटा वाई. मतलब आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करके लिख दें, दिए गए नंबर का कॉन्जुगेट मिलता है. सेम हियर, सपोज ए कोई मैट्रिक्स मैं ले लूं, एक्स वन वन प्लस आई वाई वन वन, एक्स वन टू प्लस आई वाई वन टू, एक्स वन थ्री प्लस आई वाई वन थ्री, एक्स टू वन प्लस आई वाई टू वन, एक्स टू टू प्लस आई वाई टू टू, एक्स थ्री सॉरी टू थ्री प्लस आई वाई टू थ्री. सपोज आई हैव दिस मैट्रिक्स. खास बात यह है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे हैं. अगर इनमें से कोई एंट्री जीरो, कोई एंट्री रियल हुई, इसका मतलब क्या है, उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा. सपोज हियर वाई टू टू विल इज जीरो, देन दिस एंट्री विल बी एक्स टू टू, प्योरली रियल, क्योंकि यहाँ एक्स वन वन वाई वन वन, एक्स वन टू वाई वन टू, इस तरह से सारे नंबर इंडिविजुअली क्या हैं, रियल नंबर्स हैं. यहाँ एक्स आई जे, जहाँ आई वेरी कर रहा है, आई क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, रो कितनी है, दो, तो एक से दो तक, और जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं, तीन, तो एक से तीन तक. सारे एक्स आई जे और सारे वाई आई जे क्या हैं, रियल नंबर हैं. तो ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है टू बाय थ्री, इसका अगर हमें लिखना है कॉन्जुगेट तो कैसे लिखेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट जस्ट टेक कॉन्जुगेट ऑफ ईच एंट्री ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सिंपली वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स टू राइट इट्स कॉन्जुगेट. ए मैट्रिक्स थी टू बाई थ्री ऑर्डर की इन एंट्रीज के साथ, जहाँ ऑल एक्स आई जे एंड वाई आई जे आर रियल नंबर्स एंड आई एन जे आर वेरिंग फ्रॉम वन टू टू एंड वन टू थ्री रेस्पेक्टिवली. देन कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गिवन बाई ए बाय द नोटेशन ए बार, वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर के में कॉन्जुगेट का नोटेशन होता है, सिंपली उसी नोटेशन से मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को लिखते हैं, इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉन्जुगेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए. सो हेयर ए बार विल बी एक्स वन वन माइनस आई वाई वन वन, एक्स वन टू माइनस आई वाई वन टू,
एक्स वन थ्री माइनस आई वाई वन थ्री, एक्स टू वन माइनस आई वाई टू वन, एक्स टू टू माइनस आई वाई टू टू, एक्स टू थ्री माइनस आई वाई टू थ्री. सो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज अगेन ऑफ द सेम ऑर्डर 2x3 विद एंट्रीज कॉन्जुगेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज आई हैव a इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 4 आयोटा. a एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 प्लस 2 आई 3 आई माइनस 2 माइनस 4 आई. अब हम इनसे पूछा है कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज ए बार, तो क्या होगा कॉन्जुगेट ऑफ ईच एंट्री ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट ऑफ ईच एंट्री ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो ए बार विल बी 1 प्लस 2 आई का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 आई, 3 आई का कॉन्जुगेट होगा माइनस ऑफ 3 आई, माइनस 2 का कॉन्जुगेट चूंकि इसका इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग 0 है तो इसमें आगे क्या है प्लस 0 आई, तो उसमें माइनस लिखे हैं प्लस लिखे हैं रिमेन सेम. सो रियल नंबर के केस में कॉन्जुगेट इज द नंबर इटसेल्फ. यहाँ माइनस 4 आई तो कॉन्जुगेट होगा 4 आई. जस्ट चेंज द साइन ऑफ द नंबर रिटर्न विद आई विल गिव द कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर. तो ए बार क्या हुआ 1 माइनस 2 आई माइनस 3 आई माइनस 2 एंड 4 आई. नाउ विद दिस कॉन्जुगेट वी हैव न्यू टर्म कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो जिस सीक्वेंस में इसका टर्म लिखा गया है उसी सीक्वेंस में हमें इसमें काम करना है. क्या है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कब मिलेगा, जब हम उस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लेंगे और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे. पहले हम ये और सेकंड नंबर पे हम लेंगे उसका ट्रांसपोज. सो अगेन ए बी ए मैट्रिक्स देन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A is denoted by A star. A with superscript star will give the conjugate transpose of the given matrix A. इसका notation किससे है A star से. Notation ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार exam में सिर्फ notation से पूछा जाता है. So notation याद रहेगा तो हम बता पाएंगे कि इसमें पूछा क्या गया है. अगर ये लिख दिया जाए इफ ए इज गिवन मैट्रिक्स एंड फाइंड ए टी, अगर हमें पता है कि ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में कैपिटल टी लिखा है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताता है, देन वी कैन इजीली फाइंड द क्वांटिटी व्हाट वी हैव आस्क्ड. सिमिलरली इफ वी नो द नोटेशन ए स्टार देन वी कैन इजीली फाइंड व्हाट वी हैव आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. सो किसी मैट्रिक्स ए के लिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज डिनोट किया जाता है ए विद सुपरस्क्रिप्ट स्टार, दिस विल डिनोट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. नाउ लेट्स टेक ए मैट्रिक्स ए, अगेन आई एम टेकिंग द सेम मैट्रिक्स एक्स वन वन प्लस आई वाई वन वन, एक्स वन टू प्लस आई वाई वन टू, एक्स वन थ्री प्लस आई वाई वन थ्री, x21 प्लस आई वाई टू वन, एक्स टू टू प्लस आई वाई टू टू, एक्स टू थ्री प्लस आई वाई टू थ्री.
of order 2/3, and we are asked to find A star, मतलब conjugate transpose of the given matrix. तो देखिए जैसा नाम है उसी sequence में हमें करना है. First we need to take the conjugate and then the transpose. So conjugate of a matrix is given by A bar. वो क्या होता है, दी गई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट अगर लिख दें तो हमें मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मिल जाता है. तो ए बार इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट वन इज x11, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -iy11, एंड फॉर द सेकेंड वन x12 -iy12, थर्ड x13 -iy13, x21 -iy21, x22 -iy22, एंड सिमिलरली x23 -iy23. ये तो हुआ हमारा पहला काम. देन हमें ट्रांसपोज लेना है किसका, अब ध्यान देंगे जिसमें जो हमें कॉन्जुगेट मिला था उसका ट्रांसपोज लेंगे. मतलब नाउ वी नीड टू टेक ट्रांसपोज ऑफ ए बार, हमें ए बार का ट्रांसपोज लेना है. ए बार कौन है, ये मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो पहला जो कॉलम है वो ट्रांसपोज में पहला रो बनाएगा. और दूसरा जो कॉलम है वो दूसरा रो बनाएगा. और जो तीसरा कॉलम है वो तीसरी रो बनाएगा. जो हमारी 2/3 ए बार ऑल्सो 2/3 ए बार ट्रांसपोज नाउ ऑफ ऑर्डर 3/2. तो ये जो मैट्रिक्स मिली कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज लेने पे, ये हमें क्या मिला है, ए स्टार. तो ए स्टार क्या है, बेसिकली दो ऑपरेशन के बाद जो एक मैट्रिक्स मिल रही है उसको हमने ए स्टार दिया है. वो है ए बार का ट्रांसपोज. इस नोटेशन से देखिए, पहले हमें कॉन्जुगेट लेना है फिर हमें ट्रांसपोज लेना है. तो ए बार का ट्रांसपोज विल गिव द ए स्टार. सपोज आई हैव ए इक्वल्स टू 3 2 iota 1 minus iota 4 iota 5 1 plus 7 i. आई हैव दिस मैट्रिक्स ए जिसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, मतलब 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. एंड आई एम इंटरेस्टेड इन ए स्टार ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो ए स्टार या कहो ए बार का ट्रांसपोज. तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें पहले ए बार लिखना होगा इस मैट्रिक्स के लिए. तो इस मैट्रिक्स में ए बार के लिए की फर्स्ट एंट, तो क्या ए बार का मतलब हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट. तो फर्स्ट एंट्री 3 एज इट इज 2i माइनस 2i, देन 5 एज इट इज 1 माइनस आई विल बी 1 प्लस आई, देन माइनस 4i, देन 1 माइनस 7i. ये बरा ए बार. नाउ ए बार का ट्रांसपोज क्या होगा, ये था हमारा ए बार, इसका ट्रांसपोज 3 1 plus i minus 2i minus 4i 5 1 minus 7i. जो हमारी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, नाउ इट रिड्यूस टू 3/2. तो ए बार ट्रांसपोज, ये हमें ए स्टार मिला,
ये मैट्रिक्स थी हमारी, जिसका हमने क्या लिया, पहले कॉन्जुगेट लिया सिंपली, जो आई के साथ लिखा है उसका साइन बदला, और फिर इसका ट्रांसपोज लिया, हमें मिल गया ए स्टार। अब देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ दिस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वी कैन फर्दर क्लासीफाई द मैट्रिसेस इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट अमंग देम इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए को बोलेंगे हर्मिशियन अगर ए स्टार बराबर है ए के। किसी मैट्रिक्स ए को बोलेंगे हर्मिशियन अगर ए स्टार बराबर है ए के, मतलब ए का कॉन्जुगेट लेकर के ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिल रही है वो वही मैट्रिक्स हो जो दी गई मैट्रिक्स के बराबर है, तो बोलना ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए आई जी इज इक्वल टू ए जे आई। नाउ स्क्यू हर्मिशियन, किसी मैट्रिक्स ए को बोलना स्क्यू हर्मिशियन अगर ए स्टार बराबर है माइनस ए के। कुछ सिमिलर टर्म्स से हमने डिफाइन किया था ट्रांसपोज में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोला था जब ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स मिल जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक बोला था जब ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हमें मिल जाए। यहाँ वहाँ सिर्फ ट्रांसपोज की बात थी, यहाँ हम ले रहे हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। फर्स्ट वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट, देन वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ दैट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फॉर टेकिंग द ए स्टार। अगर ए स्टार खुद ए के ही बराबर आए तो बोलना हर्मिशियन, और अगर ए स्टार बराबर आए माइनस ऑफ ए के, मतलब दी गई मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, तो बोलना स्क्यू हर्मिशियन। अब अगेन हम देखें, अगर ए मैट्रिक्स कोई है ए आई जे ऑफ एनी ऑर्डर एम बाई एन, तो इसमें ए आई आई विल डिनोट द डायगनल एलिमेंट, सिंस फॉर डायगनल एलिमेंट आई एंड जे शुड बी इक्वल, सो ए आई इज द डायगनल एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन है तो ए स्टार किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ए के। हम बात कर रहे हैं हर्मिशियन क्यू हर्मिशियन ऑन बिहाफ ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ए स्टार मैट्रिक्स विद ए और विद माइनस ए। ए स्टार इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मतलब हम बात करें कॉन्जुगेट में, तो हमें जो एंट्री मिली ए आई आई, ये सपोज है एक्स आई आई प्लस आई वाई आई आई, ये एंट्री है ए आई आई। ए आई आई का बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ दिस एलिमेंट विल बी कॉन्जुगेट ऑफ दिस एंड व्हाट इट विल बी, एक्स आई आई माइनस आयोटा वाई आई आई। Now for skew Hermitian we know A star equals to minus of A. So what we have for diagonal elements also, A I I is equal to minus of A I I. क्यों होगा ऐसा? अगर मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, अगर ये हमारी मैट्रिक्स है ए, तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, ए वन वन बार
a21 बार, a31 बार, a12 बार, a22 बार, a23 बार, a31 बार, a13 बार, a23 बार, a13 है, a23 बार, a33 बार। अगर ए कोई मैट्रिक्स ये है तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये होगा। अब इसमें देखिए डायगनल एंट्रीज a11, a22, a33, इसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में जो डायगनल एंट्रीज है वो कौन है? a11 बार, a22 बार, a33 बार। मतलब क्या? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पे जो डायगनल एंट्रीज हैं वो एज इट इज रहती हैं, एक चेंज के साथ, वो क्या कि उनका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। सिंपली हमने यहाँ कॉन्जुगेट लिया और वो उसनी उन्हीं डायगनल प्लेसेस पे हैं जो गिवन मैट्रिक्स में है। तो जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें और फिर उसमें स्क्यू हर्मिशियन की बात करें तो जो डायगनल एंट्रीज होंगी हमारे ए स्टार की वो कौन होंगी? वो वही होंगी जो हमारी दी गई मैट्रिक्स ए की हैं, विद अ स्लाइट डिफरेंस इज व्हाट, दे आर मल्टीप्लाइड विद द -1। इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। ए आई आई कौन है? एक्स आई आई प्लस आयोटा वाई आई आई है ए आई आई, प्लस अगेन। अब इसमें देखिए ए आई आई इक्वल्स टू ए स्टार, ए स्टार की जो एंट्री है वो कौन है? ये ए स्टार अगर है तो इसकी डायगनल एंट्रीज कौन कौन है? a11 बार, a22 बार, a33 बार, और स्क्यू हर्मिशियन में ये इक्वल है माइनस ऑफ इसके। इसका मतलब a11 बार इज इक्वल टू a11, सॉरी माइनस ऑफ a11, a22 बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ a22। तो इन जनरल वी कैन से ए आई बार इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, जहाँ आई क्या वेरी कर रहा है 1, 2, 3। तो ए आई बार इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, ए आई आई का बार मतलब दिस प्लस ए आई सॉरी एक्स आई आई प्लस आयोटा वाई आई आई इज इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इट विल बी? एक्स आई वाई बार मतलब कॉन्जुगेट टू एक्स आई आई माइनस आयोटा वाई आई आई प्लस एक्स आई आई माइन रिमेन्स प्लस आई आई इक्वल्स टू जीरो। ए आई आई बार प्लस ए आई आई जीरो, ए आई आई इज दिस, सो दिस इज जीरो, अगेन दिस इज जीरो। फ्रॉम हेयर व्हाट वी हैव? Twice of x i i is 0. This will implies x i i equals to 0. This will implies a i i will be iota y i i. So, if a is skew Hermitian, then diagonal elements of A are either 0 or purely imaginary. अगर है मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन तो उसके डायगनल एलिमेंट्स या तो हैं जीरो और हैं प्योरली इमेजिनरी। यहाँ से देखिए ए आई आई क्या मिल रहा है हमें? आयोटा वाई आई आई। ये क्यों मिला? क्योंकि ये कंडीशन थी स्क्यू हर्मिशियन की। तो डायगनल एंट्रीज या तो हैं जीरो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था? दे शुड बी ज़ीरो, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ ट्रांसपोज की बात कर रहे थे, रियल नंबर्स में बात कर रहे थे या कॉम्प्लेक्स में करें, सिर्फ हम ट्रांसपोज की बात कर रहे थे। तो वहाँ वो शुड बी ज़ीरो होगी, यहाँ या तो होंगी प्योरली इमेजिनरी या होंगी ज़ीरो।